सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। भारत सरकार के आदेश के बाद चीन के ऐप्स पर कार्रवाई तेजी से हो रही है। एप्पल ऐप और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक हटा दिया गया है। सरकार ने इन कंपनियों से कहा था कि वे इन ऐप की दी जाने वाली सारी सर्विसेज तत्काल प्रभाव से बंद कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से 49 चाइनीज ऐप बैन किए जाने से चीन में हड़कंप मच गया है। चीन के वाइबो सोशल मीडिया पर भारत की तरफ से लगाया गया बैन ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग इंडियाज बैन 59 चाइनीज ऐप नाम से बना हैशटैग वाइबो कल से ही ट्रेंड कर रहा है। चीन के लोग सोशल मीडिया पर भारत के लिए गए इस फैसले से परेशान है। WHO के चीफ टेड्रोस ने कहा है कि अगर दुनिया भर की सरकारों ने सही नीतियों का पालन नहीं किया तो ये वायरस और उनके लोगों को संक्रमित कर सकता है। कुछ दिनों पहले ही WHO ने दुनिया भर के नेताओं को राजनीति नहीं करने की चेतावनी दी थी। प्रधानमंत्री का कहना है कि देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया गया। विदेशी की तुलना में हमारी सरकार ने मुफ्त राशन दिया है और अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर महीने तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। उन्हें 5 किलो चावल और गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद देश के दो लोगों की वजह से कर पाना मुमकिन है। पहला देश के मेहनत किसान और दूसरा देश के टैक्स भरने वाले लोग है। बॉलीवुड हस्तियों से लेकर आम आदमी तक मुंबई ने बिजली के बिल के सबको जोर का झटका दिया है। अप्रत्याशित रूप से ज्यादा बिजली बिलों की नोटिस लेकर फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू, हुमा कुरेशी, तनुज गर्ग समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर संबंधित बिजली कंपनियों के खिलाफ पोस्ट कर आपत्ति दर्ज की है। मुंबई को फिर दहलाने की साजिश, पाकिस्तान से ताज सहित 3 होटलों को उड़ाने की मिली धमकी। फोन करने वाले शख्स ने कहा है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ आतंकी हमला पूरी दुनिया ने देखा है, अब भारत के ताज होटल में 2611 जैसा हमला फिर एक बार होगा। ताज होटल के पाकिस्तान से आए धमकी भरे फोन की जानकारी मुंबई पुलिस को दी है। पाकिस्तान से आए इस फोन के बाद मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके पटना के घर स्थित कई हाई प्रोफाइल लोग पहुंच रहे हैं। अब इस कड़ी में अभिनेता शेखर सुमन का नाम भी जुड़ गया है। शेखर सुमन ने सुशांत के पिता से मुलाकात की। शेखर सुमन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सुशांत के पिता के साथ एक तस्वीर भी साझा की। साथ ही लिखा है कि मैंने सुशांत के पिता से मुलाकात की, उनके शोक में शामिल हुआ, हम साथ में कुछ देर बैठे, हालांकि कई बातें नहीं की, वह अभी भी सदमे में है। अपने इस ट्वीट के साथ शेखर सुमन ने हैशटैग में CBI की जांच की भी मांग की है। बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल के बाद कुणाल खेमू ने डिज्नी प्लस स्टार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का न्योता न मिलने पर बुरी तरह भड़क गए हैं। सोमवार को हिंदी की 7 बड़ी फीचर फिल्मों के सीधे मोबाइल पर रिलीज करने का ऐलान किया था। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट और वरुण धवन शामिल हुए, लेकिन इसमें कुणाल खेमू को शामिल नहीं किया गया, जबकि रिलीज होने वाली इन 7 फिल्मों में उनकी फिल्म लुटकेस भी शामिल है। आमिर खान के कुछ स्टाफ मेंबर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने खुद एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। आमिर खान ने बताया कि उनके घर के बाकी लोगों का भी COVID-19 टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन मां जीतन हुसैन की रिपोर्ट आनी बाकी है।